नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम बाजार जैसी कुरकुरी जलेबी। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप झटपट ये जलेबी 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चाशनी बना लेते हैं। एक भगोना लेंगे और उसके अंदर 2 कटोरी हम शुगर डाल देंगे। आप कोई भी कटोरी या कप से नाप सकते हैं। और भगोना जो है आप खुले मुंह वाला लें। जो भी बर्तन में आप चाशनी बनाएं वो थोड़ी खुले मुंह वाली होनी चाहिए ताकि हमारी जलेबी जो है वो अच्छे से डिप हो सके। मैं 2 कटोरी शुगर ले रही हूँ, 1 कटोरी पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी चाशनी है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और शुगर को पानी के अंदर अच्छे से घोल लेंगे। ये जलेबी फ्रेंड बहुत ही कुरकुरी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। 1/4 चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे। आप 2-3 इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं। इससे जलेबी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब हम जलेबी को अच्छा सा कलर देने के लिए रेड ऑरेंज फ्रूट कलर डाल देंगे। ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपकी जलेबी जो है वो लाल हो जाएगी। मैं 2 पिंच के करीब डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर पत्ती है तो आप केसर पत्ती भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए चाशनी के उबाल आ गया है। हमें हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, नहीं तो जलेबी के अंदर नहीं जाएगी। हम इसे इसी तरह 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम बैटर बना लेते हैं। मैंने जिस कटोरी से चीनी ली है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और 1 इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। इसकी जगह आप 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर या 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम सिर्फ इसके अंदर इनो फ्रूट सॉल्ट यूज़ करेंगे, ना दही, ना बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर, तो भी हमारी जलेबी जो है बहुत ही अच्छी और कुरकुरी बनकर तैयार होगी। अब हम इसका घोल जो है पानी से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी जलेबी बनती है फ्रेंड, बिना दही, बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के भी। आप ये नया ट्रिक एक बार ज़रूर अपनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगा और जलेबी जो है झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। बस आपका जो घोल है जलेबी का वो परफेक्ट होना चाहिए, फिर आपकी जलेबी जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। एकदम हलवाई जैसी जलेबी आपकी बनकर तैयार होगी। जैसी हलवाई बनाते हैं ना फ्रेंड, सेम वैसी जलेबी आपकी बनकर तैयार होगी। देखिए मैंने मैदे को घोल लिया है। घोल ज़्यादा पतला ना बनाएं, नहीं तो आपकी जलेबी जो है अच्छी नहीं बनेगी। घोल हमारा थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। 1 कटोरी मैदे में फ्रेंड पूरा परिवार पेट भरकर जलेबी खा ले। मैं इस सॉस बॉटल में बैटर भरकर जलेबी बनाऊंगी। आप कोई भी दूध की थैली या कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं जलेबी बनाने में, या फिर इस सॉस बॉटल से भी आप जलेबी बना सकते हैं। देखिए चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए हमें। ये हल्की चिपचिपी हो गई है, इसे साइड में रख देंगे। अब हम तेल गर्म करना रख देंगे। आप जलेबी देसी घी में भी बना सकते हैं। तेल हमारा ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो जलेबी जो है वो चपटी बनेगी। देखिए इस तरह से घुमाते हुए हमें जलेबी को बनाना है। 2 से 3 बार हाथ को घुमाएं और जलेबी बनकर तैयार हो जाएगी। आप जितनी बड़ी जलेबी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हाथ को घुमाएं। और ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड, बहुत ही झटपट जलेबी बनकर तैयार हो जाती है। पर ध्यान रहे, जलेबी को तलने के लिए हमें ज़्यादा ना तो घी चाहिए ना ज़्यादा तेल चाहिए। जिसमें भी आप जलेबी बना रहे हो वो सिर्फ 1/2 इंच पैन के ऊपर होना चाहिए तेल और घी, जिसमें भी आप जलेबी फ्राई करें। और इसी तरह हम इन्हें हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हम इन्हें नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। तब भी एक जलेबी जो है एकदम सॉफ्ट और कुरकुरी बनकर तैयार होगी। ये देखिए हल्की सी हमारी जलेबी जो है फ्राई हो गई है। अब हम इन जलेबियों को बाहर निकाल लेंगे। बस इतना ही फ्राई करेंगे, हल्का सा कुरकुरापन आ जाए तब आप इन जलेबियों को बाहर निकाल लें।
और गैस का फ्लेम मीडियम रखें, लो मत करें, नहीं तो तेल ठंडा हो जाएगा, फिर जलेबी जो है चपटी बनेगी, फिर उनके अंदर चाशनी नहीं जाएगी। देखिए इस तरह से हम सीधा डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। चाशनी मेरी हल्की गर्म है, अगर चाशनी आपकी गर्म ना हो तो हल्का सा गर्म कर लें और इसे इसी में रहने देंगे। कम से कम फ्रेंड्स आधा मिनट तो इसके अंदर रहने दें ताकि चाशनी अच्छे से चली जाए। देखिए हमारी जलेबी का जो कलर है वो एकदम चेंज हो गया है, इसके अंदर अच्छे से चाशनी चली गई है। हमारी जलेबी थोड़ी वाइट वाइट थी, आप देख सकते हैं इन्होंने रस अच्छे से पी लिया है। देखिए इसी तरह हम और बना लेंगे। जलेबी बनाने में फ्रेंड दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो बैटर सही हो आपका और एक चाशनी। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो और बैटर ज़्यादा पतला ना हो। देखिए इस तरह बहुत ही आसानी से हर कोई जलेबी बना लेगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी फ्रेंड्स, पर बनेगी अच्छी, एकदम कुरकुरी और सॉफ्ट। एक दो बार बनाएंगे तब आपका हाथ भी बैठ जाएगा जलेबी बनाने में। शुरू शुरू में दिक्कत आती है फ्रेंड, फिर जब आप बनाने लगेंगे तो आपसे भी जलेबी झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जलेबी जो है 15 से 20 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और गर्मा गर्म जलेबी आप घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, एकदम हलवाई स्टाइल जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए इनका हल्का कलर चेंज हो गया है, इनको भी हम निकाल लेंगे। जलेबियों को छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैंने पहले बनाकर चाशनी के अंदर डाल दी थी, इनको भी हम डिप कर देते हैं 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के अंदर इसके अंदर अच्छे से चाशनी चली जाती है। आप देखिए हमारी जलेबी जो सफ़ेद सफ़ेद थी एकदम येलो कलर की हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई करें, आपसे भी जलेबी बहुत ही अच्छे से बनेगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। बस आपका बैटर अच्छा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, और आपकी चाशनी जो है ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फ्राई कर करके हम जलेबी को चाशनी के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं चाशनी कितनी कम हो गई है पहले से, क्योंकि सारी चाशनी जलेबियों ने पी ली है। एकदम कुरकुरी और बाजार जैसी जलेबी आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब बच्चों का मन चाहे तभी आप ये जलेबी उनको बनाकर खिला सकते हैं और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा ही है मैंने साथ के साथ जलेबी को बनाया है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है हमने बैटर को। सभी जलेबियाँ हम इसी तरह बना कर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने सभी जलेबी बना ली है, बहुत सारी जलेबी बन गई है, खाने में बहुत टेस्टी है। और आप इस तरह से एक बार जलेबी ज़रूर बनाएं, मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये जलेबी कितनी कुरकुरी बनी है। देखिए इनके अंदर तक चाशनी गई है, बहुत ही टेस्टी जलेबी हमारी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड इस तरह से आप भी जलेबी बनाएं। बादाम की कतरन से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। मैंने दो बादाम लिए हैं जिसे मैंने पतला पतला काट लिया है, जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगी फ्रेंड। खाने में तो ये बहुत टेस्टी है और जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये जलेबी जो है कितनी टेस्टी बनी है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है पर बना खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत तहे दिल से सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएँ हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।